जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पिछले चैप्टर में प्रतिशत करवाया था और प्रतिशत को बिल्कुल हमने बेसिक से और बिल्कुल हाई लेवल तक का हमने किया था और उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस भी करवाई थी 3 या 4 दिन की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आपने अब क्या करना है, परसेंटेज के जहां से भी कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बुक में से आपने 50 या 100 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा अब, ठीक है। ये चैप्टर शुरू करेंगे, इसको समझेंगे बेसिक से कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, लाभ और हानि, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिस भी बच्चे ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले बच्चे इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीजें ध्यान में रखने की हैं। देखो एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य हिंदी में, ठीक है। एक होता हमारा कॉस्ट प्राइस, उसका उसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। इसको हम सूची मूल्य भी बोल देते हैं बच्चे, ठीक है। मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य भी कह देते हैं और सूची मूल्य, दोनों एक ही बात है। अब देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम जब भी आगे क्वेश्चन करेंगे ना इसको किससे डिनोट करेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस किससे डिनोट करेंगे, सीपी से। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे एसपी, डिनोट करेंगे किससे, एसपी से, और मार्क प्राइस को एमपी से डिनोट करेंगे, ठीक है यहां तक। अब देखो कॉस्ट प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई आर्टिकल हमने खरीदा, आर्टिकल खरीदते हैं हम, माना 50 रुपए का हमने कोई आर्टिकल खरीद लिया, ठीक है। कहीं से भी हम 50 रुपए का आर्टिकल लेके आए, उस पे 10 रुपए हमने ट्रेवलिंग में खर्च किया, ठीक है। 10 रुपए कहाँ लगे, हमारे ट्रांसपोर्ट में लग गए, ठीक है। वो चीज हमें टोटल कितने की पड़ी है, 60 रुपए की पड़ी है वो चीज, ठीक है। वो आर्टिकल हमें टोटल ट्रांसपोर्ट के समेत कितने की पड़ी, 60 रुपए की पड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, जिसको हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं, वो कितना रहेगा हमारा, 60 रुपए, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, कोई चीज कितने रुपए में बेची है। अब जैसे यहाँ पे उसने कोई चीज 60 रुपए की खरीद ली और 70 रुपए की उसने बेच दी, ठीक है। 60 रुपए की चीज कोई खरीदी है और वो 70 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है दोस्तों जैसे ये मार्कर है ना, या फिर ये घड़ी लगा लो आप, किसी भी आर्टिकल के ऊपर एक मार्क प्राइस लिखा होता है, उस अंकित मूल्य पर दुकानदार छूट देने के बाद उसको फिर सेलिंग करता है उसकी, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए इस मार्कर पे अगर मैं कहूं कि 120 रुपए मार्क प्राइस है, ठीक है, उसने मार्क, ये मार्कर उसने 80 रुपए का बेच दिया,
ठीक है, कितने बेचा, 80 रुपए में बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है उसने, ये जो चीज डिस्काउंट है ना, ये 40 रुपए का दिया है उसने, 40 रुपए का डिस्काउंट दिया है उसने, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिस्काउंट को, इसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, बट्टा यानी डिस्काउंट, ठीक है। इस मार्कर के ऊपर 120 रुपये मार्क प्राइस है और दुकानदार उसको 80 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, यानी उस पर 40 रुपये की छूट दे रहा है, वो 40 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट का मतलब है बट्टा, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे बट्टा देता वो, ठीक है, अंग्रेजी में डिस्काउंट दे देता है 40 रुपये का, और फिर उस आर्टिकल को 80 रुपये में बेच देता है, इसका मतलब होता है टोटल ये हो गया हमारा मार्क प्राइस, ठीक है, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस और ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब देखो एक चीज और है, एक होता है प्रॉफिट, यहां देखो प्रॉफिट, देखो कैसे होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लाभ कैसे होगा, देखो क्रय मूल्य है वस्तु का 60 रुपये, कॉस्ट प्राइस 60 रुपये की वह चीज पड़ी है और उसने 70 रुपये में वह चीज बेच दी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसने 10 रुपये का क्या कमाया, लाभ कमाया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो सेलिंग प्राइस है ना दोस्तों एसपी, वो ज्यादा है किससे, सीपी से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है हमारा लॉस, लॉस में क्या होता है, हानि में, हानि होती है कोई चीज 100 रुपये की खरीदी है उसने, ठीक है, उसको बेच दिया 90 रुपये में, ठीक है, कितने रुपए का नुकसान हो गया, 10 रुपये का। अब देखो 100 रुपये की चीज है और बेच दिया उसने कितने में, 90 रुपये में, उसका लॉस हो जाता है यहां से। अब देखो सीपी यहां ज्यादा रहेगा, एसपी यहां पर कम रहेगा, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हानि के केस में क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, और लाभ के मामले में प्रॉफिट होता है तब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, जैसे यहां था 60 रुपये की चीज 70 में बेच दी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम था, तो हमें लाभ हो गया, और हानि हुई है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या हो गया, देखो देखो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं वो देखो, अगर कोई आर्टिकल है कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये है, ठीक है, उसने उसको बेच दिया 130 रुपये में, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, 130 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये की चीज थी, यानी उसने 30 रुपये का लाभ लिया, 30 रुपये का लाभ लिया यानी प्रॉफिट अपॉन है क्रय मूल्य कितना उसका, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये और गुणा में 100, तो कितने प्रतिशत आ गया, 30% का उसने क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया हमारा 30 प्रॉफिट हो गया, ये हमारा हो गया 100 कॉस्ट प्राइस, ठीक है, परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्रय मूल्य पर, ठीक है। एक बार और देखो लॉस, देखो अगर किसी वस्तु पर लॉस हो जाता है तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखो, कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 100 रुपये है, ठीक है, अगर वो उसने बेच दी 90 रुपए में, तो बताओ
कितना परसेंट का लॉस हुआ है उसे। अब देखो 100 रुपए का आइटम है ये कोई, और 10 रुपए लॉस में ये 90 में बेच दी, ठीक है, तो 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो जाता है। तो हम यहां कैसे निकालेंगे इसको, लॉस को, लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, 10 रुपए की हानि हुई है कितने पे अपॉन 100 रुपए पे, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा है लॉस, और गुणा में 100, तो मैं कह सकता हूं 10% उसके उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 10% लॉस आ गया। तो कहने का मतलब है प्रॉफिट है और लॉस है दोनों कैलकुलेट होंगे किस पे, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करवाने शुरू करते हैं। अब देखो अगला, देखो भाई एक हल्का छोटा सा क्वेश्चन है, इसे समझेंगे हम। देखो मार्क प्राइस है किसी वस्तु का, अंकित मूल्य 400 रुपए है, अगर वो डिस्काउंट 10% का दे देते हैं दुकानदार, तो हमने बताना है कि वो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर 400 रुपए की चीज है, 10% की उसमें अगर वो डिस्काउंट दे देता है, यानी 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 400 रुपए में से 40 घटा देंगे तो 360 रुपए उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है इसको निकालने का, जैसे मैंने परसेंटेज में भी करवाया था, देखो कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो चाहे वो मार्क प्राइस है चाहे वो कुछ भी है, वो 400 है, जैसे यहां पर मार्क प्राइस अपने आप में 100% है। अब देखो 10% का डिस्काउंट दे देता है, इसका मतलब उस आर्टिकल की वैल्यू कितनी रह जाएगी, अब 90% रह जाएगी। तो मैं सीधा यहां पर क्या कर सकता हूं, इसको 90% लिख सकता हूं, 90 और प्रतिशत के लिए अपॉन में 100 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारा सीधा सीधा 4×36 यानी 360 रुपये, ठीक है। ये तो है ही हमारा तरीका जो हम करते आए हैं, ठीक है। अब देखो ये तरीका आपको आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसकी भी, 400 रुपए मार्क प्राइस है, 10% की उसने छूट दे देता है या बट्टा दे देता है ना, उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सीधा सीधा अपने आप में कोई भी अंक है कोई भी नंबर है वो अपना 100% होता है। अगर वो 10% कम करने की बात कर रहा है ना, इसका मतलब उस आर्टिकल की उस नंबर की वैल्यू 90% रह जाएगी अगर 10% कम कर देंगे, ठीक है। अगर वो कहता कि 10% बढ़ा दिया जाए, तो मैं सीधा सीधा उस आर्टिकल की वैल्यू क्या करता, 110 कर देता, 110% सीधा हमारा यहां से आंसर आ जाता, ठीक है। अगला देखो, देखो बच्चों अगर किसी आर्टिकल का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है, तो 10% प्रॉफिट लेके वो हमने बेचना है, तो कितने में बेचेगी। अब सीधा सीधा तरीका देखो, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवा था, देखो 800 रुपए क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है, अपने आप में कोई भी वैल्यू क्या होती है, कोई भी नंबर है कोई भी अंक है वो 100% होता है, मैंने बताया है। प्रॉफिट इसमें क्या है, 10% का प्रॉफिट लेना उसने, तो सीधा सीधा मैं कहूंगा 100 में जोड़ो इसको कितना आ गया, 110%, सीधा मैंने बताया था, तो इसको मैं सीधा 110 और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 880 रुपये, यानी उसका क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया भाई। 800 रुपये कोई चीज है, 10% लाभ लेके वो कितने में बेच रहा है, 880 रुपये में, तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 880 रुपये। ये दोस्तों कुछ बेसिक चीजें थी जिसका समझना आपको बहुत जरूरी था। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 1 करवाता हूं मैं।